नमस्ते, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आई हूँ मेरी माँ का घर, बहुत दिन के बाद आई हूँ। मेरे हस्बैंड गया है आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए मैं मेरे बेटा के साथ आई हूँ। तो आप लोग भी देखिए मेरे माँ का घर कैसा है और मैंने क्या क्या किया है। ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं, ये है, ये पहले मेरा रूम हुआ करते थे। जब मैं पहले शादी से पहले जब मैं मायके पे थी, ये रूम मेरा था ना, अभी भी मेरा ही है। मतलब जब मैं मायके आती हूँ तभी इस रूम में मैं रहती हूँ। ये है मेरी माँ का किचन। आज देखिए माँ क्या बना रही है मेरे लिए। आज बना है मटन, मैं अच्छे से खाऊंगी मज़े मज़े लेके। ये कैप्सिकम और क्या सब्ज़ी बना रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मम्मी बना रही है, मम्मी अच्छे ही बनाती है। अभी मम्मी मेरे लिए खाना परोस रही है, मैं अकेले ही खाऊंगी। तो क्या क्या दिया है मेरे प्लेट में आप लोग भी देखिए। मम्मी ने दिया है राइस, रोटी, फिश फ्राई, आलू का सब्जी, कैप्सिकम, दाल, ये है मेरे फेवरेट मटन करी और बैगन की सब्जी। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मैं अभी अकेले ही खाऊंगी। भैया और भाभी घूमने गए हैं, पापा भी खा लिया है, छोटा भाई भी नहीं है, गीत को माँ देख रही है, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो अभी हम सुबह उठ चुके हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये मेरे बेटा मेरे पिताजी के साथ थोड़ा भाग दौड़ कर रहे हैं। ये है मेरा छोटा भाई। तो मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ। मैं कल शाम 7 बजे आई थी मम्मी के घर, तो मैं कल मम्मी के घर में रुकी हूँ। आज मैं चली जाऊँगी, मेरा हस्बैंड आएगा मुझे और मेरे बेटा को लेने। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, आप लोग भी सेट कर चुके हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मेरे प्लेट में क्या क्या है देखिए मम्मी ने क्या दिया है। ये दिया है आलू का पराठा, एग बॉइल, पिकल, सूजी का हलवा, दूध। तो मैं अभी खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद फिर से मुलाकात होगी, तो मैं खाऊँगी अभी। पिताजी कुछ बोलिए व्यूअर्स को मेरे बारे में। मेरा अभी लंच का टाइम है, अभी मैं लंच ले रहा हूँ और मेरा बेटी का वीडियो आप लोग भरपूर देखिए, ये मेरा उम्मीद है। अभी हम थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, तो मैं मम्मी पापा और मेरा बेटा गिर हम सारे जाएंगे घूमने के लिए। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, हम कहाँ जा रहे हैं तो आइए चलते हैं। अभी हम टाउन पहुँच चुके हैं, मेरे मामी का कुछ सामान खरीदना है, तो मैं और मामी जाएंगे सामान खरीद के आते हैं अभी। तो हम वापस घर आ चुके हैं, मेरे माँ और पापा ने गिफ्ट के लिए कुछ खरीदा है। गिफ्ट के लिए खरीदा है ये लिटिल चेयर टेबल, इसमें वो खा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, उसका जो मन करे वही वो कर सकता है यहाँ पे। आज मैं दो रेसिपी जो मेरी मम्मी बनाएगी, एक है डक रेसिपी और दूसरा स्टीम राइस रेसिपी, ये दो रेसिपी आप लोग के साथ मैं दिखाऊंगी मम्मी कैसे बनाती है। ये स्टीम राइस का रेसिपी है। ये जो राइस कुकिंग पॉट है इसमें पानी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इस पर वाटर है। आप लोग जितना आप लोग मतलब चावल आप लोग इसमें डालेंगे उसके हिसाब से पानी देना पड़ता है। अभी गैस ऑन हो गया, अभी मम्मी ने गैस के ऊपर ये पॉट रख दिया है। अभी ये एक जाली का प्लेट है, इसके ऊपर ये जाली का प्लेट देना पड़ता है। अभी राइस को इस जाली के ऊपर ऐसे रखेंगे मम्मी। अभी इसमें चावल का क्वांटिटी है 1 kg। अभी इसको ऐसे ढक्कन से ढक दिया है राइस को। और एक प्लेट दिया है स्टील का, ये दो प्लेट इसलिए दिया है, इसमें जो पानी का जो भाप है ये निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो राइस अच्छे से कुक नहीं होगा। और इसके ऊपर
मामी ने रखा है, ये थोड़ा हैवी है, ये भी रख दिया है, ये पत्थर रख दिया है। अभी ये जो पानी का भाप है ये नहीं निकलेगा और अच्छे से कुक होगा। अभी इसे अच्छे से कुक होने में 30 मिनट लग जाएगा। 30 मिनट के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी स्टीम राइस कैसा होता है, बड़ा राइस का। ये जो दूसरा रेसिपी है ये है डार्क फ्राई, ये है 500 ग्राम डार्क। अभी मम्मी ने गैस में कढ़ाई रख दिया है, अभी कढ़ाई हीट हो चुका है। अभी मम्मी मस्टर्ड ऑयल इस पे दिया है। अभी मस्टर्ड ऑयल हीट हो चुका है, अभी मम्मी डालेगी इस पे पाँचफोरन। अभी पाँचफोरन दिया है, इसके ऊपर दिया है 2-3 बेल पत्ता। अभी दाग को दिया है, दाग को अच्छे से फ्राई करेगी मम्मी। अभी मम्मी गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा कम कर रही है, मीडियम फ्लेम में रखा है। अभी 3 मिनट दाग को अच्छे से मम्मी फ्राई करेगी। अभी मम्मी ने दिया है सॉल्ट। 3 मिनट के बाद मम्मी ने दिया है सॉल्ट। अभी दिया है हल्दी। इसके ऊपर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मम्मी ने पहले ही पेस्ट करके रख दिया है। ये है मम्मी ने दिया है जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच। इसमें दिया है अभी धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच। में दिया है 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर। अभी इसमें डाला है ऑनियन। अभी मम्मी अच्छे से फ्राई करेगी। कितनी देर फ्राई करेगी अभी? अभी मम्मी इसको 20 मिनट और मीडियम फ्लेम में इसको पकने देगी। अभी ये ढक्कन से ढक दिया है, आप लोग देख सकते हैं गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम है। अभी 15 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम में इसे कुक होने के लिए अभी रख दूंगी। मम्मी अभी किचन में बना रही है, मैं अभी जाऊंगी, आप बनाइए अच्छे से। अभी इस दाग को मम्मी के बाद ऐसे दाग को मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, नहीं तो जो दाग है वो कढ़ाई पे लग जाएगा। फिर ढक्कन से ढक दीजिए। अभी ये दाग बन के रेडी हो चुका है। थोड़ा मम्मी आप हाथ को थोड़ा, ये देखिए दाग पूरा बन के रेडी हो चुका है। अभी गैस ऑफ कर दिया मम्मी ने। ये देखिए ये दाग पूरा बन के रेडी हो गया है। अब इस पे रख दीजिए, मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगी कैसा बना है। ये देखिए ये है डार्क फ्राई। अभी ये बड़ा राइस का जो स्टीम राइस है वो कुक हो चुका है। अभी मम्मी ने गैस ऑफ कर दिया है। ये देखिए ये जो राइस है वो पक चुका है। ये जो बड़ा राइस है ये स्टिकी है। मम्मी आप यहाँ पे रख दीजिए, मैं व्यूअर्स को अच्छे से दिखाऊंगी जो राइस है। ये देखिए ये है बड़ा राइस, ये राइस स्टिकी है। अभी ये बड़ा राइस रेडी हो चुका है। अभी डार्क फ्राई है और भी कुछ आइटम है।
आप लोग इस बटर राइस को इस डार्क फ्राई के साथ खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग का असमिस का ये फेवरेट खाना है, तो आप लोग भी खा के देखिए। तो मैं आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेट होती हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।